अजीम मियां शेर। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो हिंदुस्तानियों। यू ब्लडी इंडियंस, शेम ऑन यू। तू है तुम्हारी बहादुरी पर। अरे बगैर तो किस तरह नीले पीले लाल कपड़े पहन के घूमते हो। अरे आजादी तुम्हारे पास न रही और गुलामी का तुम्हें चलन नहीं आता। मूंछ को ताव देते हो। जो मर्दानगी को गिरवी रखते हैं उन पर मूंछ रखना हराम है किबला। चंद लाल टोपियों वाले तुमसे हिंदुस्तान की सारी जमीन हथिया के ले गए और तुम ऐसे कम जर्फ लड़कर मरे न डूब कर और मुझे आंखें दिखाते हो। शर्म करो। अजी हजूर, मैंने कहा शह। अरे शह तो हो चुकी किबला। बंदूक की शह पर शाह को दिल्ली के लाल किले में बंद कर दिया। वो जो कल आलम पना थे आज अंग्रेजी फौज की पना में हैं। और तुम यहाँ अपने ही झमेलों में गुम। Then you lose your soil, you lose your dignity. साहिबों ने अपने बूटों की मिट्टी चटवा दी हमें और तुम गर्दन तान कर दिल्ली की गलियों में यूं फिरते हो जैसे हिंदुस्तान अंग्रेजों को महंगे दामों बेच आए हो। अरे तुमसे तो दिल्ली की तवायफें अच्छी जिनकी चौकट पर साहिबों के बूट पहले उतरते हैं और टोपी बाद में। A coward never dies because he was never alive. ये वही जूता है जो 90 साल पहले उन्होंने हिंदुस्तान के मुंह पे मारा था। अब बारी बारी सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के मुंह पे मारेंगे। आपकी मेहरबानी से मैं भुगता। लीजिए अब आपकी बारी है। इनकलाब। इनकलाब के बच्चे रोटी के बदले ईमान सिर्फ कुत्ते बेचा करते हैं। तुम खाल पे फिरंगियों की वर्दी पहनकर कुत्ते बनोगे तो दो पैसे का कुचला देकर मार देंगे तुम दोनों को। छोड़ो जुगनू को। मुझे सरकार पे मुदाखलत है बालम। तू उठ और सरकार से कहियो खुद आकर हमसे बात करे। हिंदुस्तान में घुप अंधेरा है हुजूर। यहां एक जुगनू के चमकने से उजाला नहीं होगा। एक मजरे में कितनी दौलत खर्चते हो? नवाब दौलत मिर्जा नाम है हमारा। यूं तो दिल्ली में नवाबों की कमी नहीं है पर कोठे पर नवाब उसे कहते हैं नवाब साहब जो कोठे की सीढ़ियां उतरते ही नवाब न रहे। हम चाहें तो खड़े खड़े दिल्ली खरीद कर खीसे में डाल लें। तुमने हमारा नाम नहीं सुना शायद? सुना तो है। दौलत मिर्जा नाम है तुम्हारा। घर वाले नवाब कहते होंगे तो कुल मिलाकर हुआ नवाब दौलत मिर्जा। अद्दे अदब के बच्चे
जुल्मी का नाम सुना है तुमने? बड़े बड़े नवाब अदब के मारे जुल्मी साहब की चंपी करते हैं, और जो चंपी नहीं करते जुल्मी साहब की जूतियां सीधी करते हैं। पर ये अम्मा हो तो गोया वो आपकी भी अम्मा है। परी अम्मा को परी अम्मा कहने से पहले जरा अपनी उम्र तो देख लो, ज्यादा नहीं तो बहन क्या क्या पुकार लो। हाय अल्लाह नवाज साहब। कौन है ये कमजात? जुल्मी को कमजात कहा है तुमने? कसम अल्लाह पाक की चांदनी चौक में लिटा कर मारेंगे तुमको। या खुदा। अमा खुदा को कोठे पर याद करते हो? खुदा ने जो तुमको याद कर लिया तो बहुत पछतावोगे। क्या हुआ परी अम्मा? कंचन भाई, अगर तुम्हारे कोठे पर ऐसे ऐसों का आना जाना होगा तो अगली बार हमारी बग्घी तुम्हारे दरवाजे पर न रुकेगी। कैसे कैसों का नवाब साहब? आंख भर कर देखो, तुम्हें ये मुफ्तंडा दिखाई नहीं देता? यही तो दिखाई देता है नवाब साहब, और ये दिखाई दे जावे तो कंचन को कुछ नजर नहीं आता। मतलब ये कि आज मुजरा नहीं होगा। आप तशरीफ ले जाए। देख लीजो कंचन भाई, नवाब दौलत मिर्जा नाम है हमारा, तुम्हारा दिल्ली में रहना मुश्किल कर देंगे। हमें मंजूर है नवाब साहब, ठान कर बैठे हैं। दिल्ली से निकले तो जुल्मी के दिल में रहेंगे। हवा नवाब साहब, खादिम को जुल्मी कहते हैं। अर्ज किया है इशार हजूर, इशार दीजिए हजूर। इशार तवज्जो चाहता हूं। इश्क जब तुमको रास आएगा, इश्क जब तुमको रास आएगा, इश्क जब तुमको रास आएगा, जख्म खाओगे मुस्कुराओगे। वाह 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 वाह, जख्म खाओगे मुस्कुराओगे, बहुत बढ़िया। ये उन्होंने भैया जख्म खाओगे मुस्कुराओगे। अर्ज करता हूँ, देर तक दिल के पास बैठोगे। वाह, देर तक दिल के पास बैठोगे। वाह वाह वाह, देर तक दिल के पास बैठोगे, उसकी बातें इसे सुनाओ। रामदेव, वाह, बहुत बढ़िया। और शेर तवज्जो तलब है, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा। जुगनू मियां, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा। क्या खूबसूरत। वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा, तुम बहुत टूट टूट जाओगे। क्या टूटे हैं और क्या तोड़ा है। बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर तो फड़क जाने वाला है हुजूर। अनाथ फरमाइए हुजूर। अर्ज किया है, याद आएंगी गुमशुदा नींदे। हुजूर सुभान अल्लाह, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। याद आएंगी गुमशुदा नींदे, ख्वाब रख रख के भूल जाओ। आखिरी बात है भैया, हुजूर आखिरी बात है, आखिरी बात है हुजूर, मुकर्रर एक बात। अरे जुगनू मियां, अरे जुगनू मियां, क्या एक भी शेर ऐसा ना हुआ कि दाद मिल सकती?
वाह। ये मियां दाद हुई कि गाली? हजूर गाली आप सुन नहीं सकते, इसलिए गाली नहीं दी। अरे जुगनू मियां, गली दिल आराम के रहने वालों की तो हम गाली भी सुन लेते हैं। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहो कहो। महबूब के मरमरी बदन से हिंदुस्तान की आजादी ज्यादा खूबसूरत है। तो हम क्या करें जुगनू मियां, हिंदुस्तान आजाद भी हो गया तो हम जुल्फे जाना की कैद में रहेंगे। वाह 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 वाह। पांच सौ का कर्जा देगी? साल एक में लौटा दूंगा। क्या करेगा पांच सौ? गरीब दिलाराम में घोसले की बैठक खरीदी है। पांच सौ दूंगा तो मेरे नाम लिखेगा। गली दिलाराम में क्यों? गली दिलाराम में रहती है वो। सुरैया, पांच सौ दूं तो वापस ना करना। क्यों? समझना, तेरी सुरैया को सलामी दी मैंने। तुझसे सुरैया की बात करता हूं तो लगता है बात तेरे दिल पर लगती है। तवायफों के दिल कोठे के ताकों में बंद होते हैं चुर्मी। जब कभी धड़क जावे खामोश कर दिए जाते हैं, जैसे सुबह की उम्मीद में चिराग गुल कर देते हैं। ये जाने बगैर के पूछने वालों पर क्या गुजरती है। कभी दिन के वक्त आना, पांच सौ तेरे गिन के रख दूंगी। उस रात बारिश अभी होकर टली थी। यूं तो दिल्ली में बारिश हो जाए तो जल थल हो जाता है, पर आधे मौसम की उस आधी बारिश में दिल्ली का बस जरा सा बदन भीग गया था। मैं ताजा शेर का पहला मिसरा मुंह में लिए दिलाराम की नुक्कड़ से निकला तो अचानक तेज गाम चलती हुई एक परी के पांव से पाले उछलकर मेरे पैरों में आ गिरी। मैंने आवाज दी, सुनिए। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। बारिश से तो दिल्ली का कुछ नहीं बिगड़ा, पर वो शर्म की चार बूंदों से भीग गई। मैं बस देखता रह गया। बरसात में यूं चांद कहां निकलता है। वो चट से नकाब चेहरे पर न डालती तो मैं शायद दम निकलने तक उसे देखता रहता। आपकी पाजीब मेरे पैरों में गिर गई। कहने को मैं भी वहां से लौट आया,
पर सच बात यह है चनन मियां, मैं वहां से लौट कर कभी आया ही नहीं। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। समझ क्यों नहीं जाते, ये बाई का कोठा है, तेरे पुरखों की दरगाह नहीं है। ये जो तेरा कोठा है ना पन्नी मियां, हमारी आरजुओं का कब्रिस्तान है। कभी जो फातिया पढ़ने को आ जावे तो तेरा क्या लेते हैं। मनहूस शक्ल देखी है अपनी, जब गाहक कोई देखे तो पलट कर कोठे की तरफ मुंह नहीं करता। कब तक गाहकों में नीलाम करोगे हमारी कंचन को, मर्द बच्चे हो तो इश्क से दाम पूछो, वसूली करो और दुआएं लो हमारी। तुम्हारी दुआएं लूं बुढ़ापा, फाकों में गारत करूं और लाल कुएं में कूद कर मर जाऊं। मरना तो है पन्नी मियां, गुर्बत से बच गए तो बालम के हाथ से मरोगे, और बालम जो मारेगा ना तो गुर्बत का मरना भूल जाओगे। तुम जैसे कईयों की लाशें उठी हैं यहां से, किसी रोज जो पन्नी मियां को गुस्सा आया ना तो समझो दिन तुम्हारे पूरे हुए। तो फिर सुनो पन्नी मियां, वो जो तेरे कोठे पे आके मर गए ना, कोई और लोग थे पन्नी मियां, और हम जो है ना कुछ और लोग हैं। यही एक बात तुम सच कहते हो बालम, वरना मुंह पे झूठ बोलते। झूठ में कभी कभी का सच भी झूठ लगता है बाल जी। जान से प्यार करता हूं तुम्हें, झूठ बोलूं तो मरते वक्त कलमा भूल जाऊं। हमसे प्यार करोगे, हमसे क्या मिलेगा तुम? तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए कंचन। तुमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अब जाओ, हमारी गाहकी और पन्नी मियां की दुकानदारी का वक्त हो गया है। शकल गुम करो अपनी तो हम रोजी का मुंह देखें। कुछ ऐसा करो पन्नी मियां कि हशर के दिन खुदा को मुंह दिखा सको। किसको किसको? और तुम भी कुछ ऐसा करो कि कभी हमें मुंह दिखा सको। इसको
को आने से ना रोका करो पन्नी मियां, हमें इससे प्यार नहीं पर इसके प्यार को प्यार करते हैं। वाह वाह रामदेव भैया, क्या खूब कहा है मैंने। हाँ इरशाद इरशाद, मेरा हिस्सा कभी पूरा तो दिया कर मुझको। काम ना ऐसी बात पर रहे। खाली दिया ग्लोरी, खाली दिया ग्लोरी हो जाए, मजेदार है। अर्ज किया इरशाद, मेरा हिस्सा कभी पूरा तो दिया कर मुझको, याद करने के बराबर तो मिला कर मुझको। भाई को किसने बताया कि मैं कंचन भाई के कोठे पे हूँ? राम राम राम। अरे मियां, भाई का क्या है, वो तो कयाफा कर लेती है। तो कयाफा करके बताया उसने कि आज मैं तुम्हारी गर्दन मारूंगा। भाई के दोस्त पर हाथ उठाओगे तो पूरी दिल्ली थूथू करेगी तुम पर। दोस्त नहीं, भाई के कुत्ते हो तुम। उसके आगे तुम ना हिलाओ तो तुम काटते तुम्हारी। सुन रखे हो बारम, आपके दिल पर को ये भी कहेंगे कि कुत्ता कहा आपको। ओए जिंदा रहोगे तो कहोगे ना। अरे 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 दिल पर हुजूर, तेरे दिल पर हुजूर आ रहे हैं, दिल पर हुजूर आ रहे हैं। मिया कौन हो? वली जी, वली मिर्जा। मिया मिर्जा तो यूं कहते हो जैसे दिल्ली का तख्त छीनने की शिकायत लेकर आए हो। बैठने की इजाजत हो तो अर्ज करूं? अरे बैठिए हजूर बैठिए, ये दिलबर हजूर की बैठक है, यहाँ बैठने से बड़ा कौन रोकेगा। आइए आइए तशरीफ रखिए। दिलबर का नाम सुनकर ही तो आया हूँ। अरे काम बताओ। भाड़े पे रहने को एक कमरा चाहिए हजूर, सुना है ऊपर इस बैठक के एक कमरा खाली है, मिलेगा हजूर? रामदेव के बच्चे, भाई के आने का झूठ बोलता है तू। बोल तेरे साथ क्या सलूक करूं? अपनी बार मुझसे अच्छा सलूक कर दे। तू कौन? वली। वली मिर्जा। काम बोल। भाड़े पे रहने को ऊपर का कमरा चाहिए हुजूर। ऊपर के कमरे में भाई ने दो कुत्ते पाल रखे हैं। तू कहीं और जगह ढूंढ, कुत्तों के मरने तक कमरा खाली ना होगा। कहां हो खबीसो?
अब तुम भी आओगे यहाँ? मतलब भाई का कोठा ना हुआ, मुफ्तकरों का मेला हुआ ना? उम्र तेरी माँ जितनी है, चेहरा भी माँ जैसा, पर मुंह में तेरे छटी हुई तवायफ की जबान है। तेरी जगह कोई मर्द होता ना, दिल भर के मुंह लगता, मर गया होता। तुम जाओ जी, मर्दों से दुश्मनी है इसको। हमें जानते नहीं हो तुम? आवाज देके बुलावेंगे तो दिल्ली के दारोगा आग के झपके में कोठे के दरवाजे पे खड़े होंगे। अब चल। जरा कंचन बाई से कहो ना, जलवा दिखाए। यू ही मुफ्त में जबान काट डालूंगा। तो रुपये मांगने जोगी नहीं रहोगी। कंचन से कहो मुलाकात को आवे। आप जाइए बढ़िया माँ, इनसे हम समझ लेते। खूबसूरत हो और खूबसूरती पर घमंड कितना है, पर जान लीजियो कंचन बाई, औरत से जब हया छिन गई तो समझो सारी खूबसूरती छिन गई। हमने तो सुना था दिल्ली के बांके हो, गली दिलाराम के गुंडे हो, पर आप तो मौलवी निकले साहिब। बालम को कब से जानती हो? तवायफ से कभी नहीं पूछते किसको जानती हो और कब से जानती। हम पूछते हैं कंचन भाई और जवाब में जवाब लेते हैं। कब से जानती हो बालम को? दिन में परी अम्मा से पूछी, मालूम हुआ तो बताएंगे, लेकिन जब से वो हमें प्यार करने लगा है तब से थोड़ा हिसाब हमें भी याद है। दोबारा वो तुम्हारे कोठे पर आया तो जानती हो क्या होगा? मार डालेंगे हमको। पहली बार सुना है कि दिल्ली में बाके कोठों पर दंगा करेंगे, औरत पर हाथ उठाएंगे। बड़ी थू-थू होगी साहेब। देखो कंचन भाई, हमारी माँ का जना है वो, उसके दिन रात का हिसाब रखना जिम्मेदारी है हमारी। कुछ भी हो जाए कोठे पर भटकने नहीं देंगे उसको। तो पैरों में उसके बेड़ी डालिए ना, दिल पे पहरे बिठा दीजिए, वरना कमबख्त कंचन बाई के पैरों में लौटता रहेगा। पैर कहाँ रहेंगे कंचन बाई? अब की बार वो तुम्हारे कोठे पर पहुंचा तो घुंघरू परी अम्मा के पैरों में बंधेंगे या तुम अपने हाथों में पहना करोगी। अब यहां भी आते हो?
قسم اللہ پاک کی آدمی کم ہو میرے بھی زیادہ عجیب میاں شیر ارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو ہندوستانیوں یو بلڈی انجنز شیم آن یو تو ہے تمہاری بہادری پر ارے بغیر تو کس طرح نیلے پیلے لال کپڑے پہن کے گھومتے ہو ارے آزادی تمہارے پاس نہ رہی اور غلامی کا تمہیں چلن نہیں آتا موچ کو تاؤ دیتے ہو جو مردانگی کو گروی رکھ دے ان پر مونچھ رکھنا حرام ہے قبلہ چند لال ٹوپیوں والے تم سے ہندوستان کی ساری زمین ہتھیا کے لے گئے اور تم ایسے کم ظرف لڑ کر مرے نہ ڈوب کر اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہو شرم کرو ایسے اجالا نہیں ہوگا ایک مجرم میں کتنی دولت خرچتے ہو نواب دولت مرزا نام ہے ہمارا یوں پہلے انہوں نے ہندوستان کے منہ پہ مارا تھا اب باری باری سب ہندوستانی ایک دوسرے کے منہ پہ ماریں گے آپ کی مہربانی سے میں بھکا لیجئے اب آپ کی باری ہے بچے روٹی کے بدلے ایمان صرف کتے بیچا کرتے ہیں تم کھال پہ فرنگیوں کی وردی پہن کر کتے بنو گے تو دو پیسے کا کچلا دے کر مار دیں گے تم دونوں کو چھوڑو جگنوں کو مورے سرکار میں مداخلت ہے بالم تو کھوٹ اور سرکار سے کہیو خود آ کر ہم سے بات کرے ہندوستان میں گھپ اندھیرا ہے حضور یہاں ایک جگنو کے چمکنے
अजी हजूर, मैंने कहा शह। अरे शह तो हो चुकी किबला, बंदूक की शह पर शाह को दिल्ली के लाल किले में बंद कर दिया। वो जो कल आलम पना थे आज अंग्रेजी फौज की पनाह में हैं, और तुम यहाँ अपने ही झमेलों में गुम। Then you lose your soil, you lose your dignity. साहेबों ने अपने बूटों की मिट्टी चटवा दी हमें, और तुम गर्दन तान कर दिल्ली की गलियों में यूं फिरते हो जैसे हिंदुस्तान अंग्रेजों को महंगे दामों बेच आए हो। अरे तुमसे तो दिल्ली की तवायफें अच्छी, जिनकी चौकट पर साहेबों के बूट पहले उतरते हैं और टोपी बाद में। A coward never dies because he was never alive. ये वही जूता है जो 90 साल